चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इवन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन को तो बेसिक इसका क्या था? बेसिक ये था कि भाई एंड एलिमिनेशन दोनों ही ईवन ई टू कोई भी हो आपके एंडोथर्मिक होते हैं। तो एंडोथर्मिक का मतलब है कि हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होंगे, यानी अगर आपको टेम्परेचर हाई दिखाई देता है तो इसका मतलब आपको क्या समझना है? एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करनी है। अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये कितने कितने टेम्परेचर पे हमें देखने हैं? इन जनरली आपका ये जो टेम्परेचर दिया जाता है ये आपका होता है, अगर आपका 50 से कम पे देते हैं तो 50 से कम पे आपका ये एलिमिनेशन नहीं देगा, और 50 से ज़्यादा के टेम्परेचर है, 60 है, 100 है, 110 है, इस तरीके से है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ईवन को यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं, एलिमिनेशन कोई खास बात नहीं है इसमें। वीक बेस हम लोग यूज करेंगे इसमें, CH3OH यूज कर लो, H2O यूज कर लो, C2H5OH यूज कर लो रिएजेंट के। होना किस तरीके का एलिमिनेशन देखने वाले हैं हम? अल्फा बीटा, मतलब अल्फा से हेलोजन हटा दो, अगर हेलोजन डेरिवेटिव की बात करो तो अल्फा से आप हेलोजन रिमूव करोगे और जो आपका बीटा कार्बन होगा उससे आप क्या रिमूव करोगे? बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे। तो ओवरऑल में इस प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में, इवन एलिमिनेशन बहुत सारी जगह पे होता है लेकिन यहाँ पे हम हेलो एल्केन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वहाँ पे होगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये प्रोसेस हम देखेंगे। डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रो और हेलो दोनों वाला बोला गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का भी रिमूवल होगा और हेलोजन का भी रिमूवल। इतनी बात क्लियर है? प्रोसेस क्या रखना है? अल्फा से हाइड्रोजन हटाना है और बीटा से रिमूव करना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अल्फा बीटा वाले एलिमिनेशन हम देखने वाले हैं। अब देखो होगा क्या, जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, सपोज दिस इज, यहाँ पे एक्स लगा हुआ है तो इसको अल्फा कार्बन बोल सकते हो और इसको बीटा कार्बन बोल सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत? इधर वाले को भी बीटा बोल सकते हैं, इधर अगर कोई भी कार्बन लगा हुआ है CH3 CH2 कोई भी लगा हुआ उसको भी बीटा बोल सकते हैं। पहले x माइनस रिमूव होगा इवन में, फर्स्ट स्टेप में x माइनस का रिमूवल जब होगा तो यहाँ पे डेवलपमेंट किसका हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज का, और पॉजिटिव चार्ज बन गया मतलब कार्बो कैटायन फॉर्मेशन हो, और इसका जो फर्स्ट स्टेप है यही होता है इसका RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल यही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोला गया है। कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन होता है और फिर उसके बाद इस कार्बोकैटायन में अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट होता क्यों है? मोर स्टेबल बनाने के लिए होता है ना। मान लो कहीं पे 2 डिग्री है और उसके पास चांस है कि वो 3 डिग्री बन जाए या तो वो बना लेगा उस तरीके से, और वो बनाने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा
और फिर उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ये बात क्लियर है? कैसे कैसे? मान लो इस बीटा से हम हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो इस बीटा से, इससे आपने हेलोजन हटा दिया, ये बना दिया। अब इस बीटा से आपको हाइड्रोजन को हटाना है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर देते हो? तो यहाँ से आपका बन जाएगा भाई, एक हाइड्रोजन हटाओगे तो बॉन्ड की कमी पड़ेगी, तो यहाँ पे आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एल्कीन बन जाएगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? अब जैसे कहीं पे बोल दे कि दो रिएक्शंस दिए और बोल दे ईवन का रेट किसमें ज़्यादा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट किसमें ज़्यादा होगा, तो देखेंगे कि ज़्यादा स्टेबल अगर कार्बोकैटायन है जिस केस में, उसमें ईवन का रेट ज़्यादा होगा। इसके बाद अब ये अगर हम बात करें कि भाई टेम्परेचर, हमने बोला कि एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर हाई होता है, तो अधिकतर करके ऐसे हीट का साइन लगाते हैं। हीट का साइन मतलब हाई टेम्परेचर। अब एक कंडीशन और होती है, देखो जो E1 है ना और जो SN1 है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब प्रोडक्ट दोनों बनेंगे। SN1 के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट बनाएंगे और E1 के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन होता क्या है, अगर हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर पे E1 प्रेफर किया जाता है, ये प्रेफर, और अगर लो टेम्परेचर है तो हम लोग बोलते हैं, तब ऐसा देखा गया है कि SN1 प्रेफर। अब हाई लो का क्या क्राइटेरिया, देखो 50 से अगर कम है टेम्परेचर, लेस देन 50 डिग्री, लेस मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तब आप लोग बोलोगे कि E1 कराएंगे, वहाँ पे E1 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है, मतलब एल्कीन। और अगर टेम्परेचर लेस देन 50 है तब SN1, और अगर आपसे बोल दिया जाए कोई आपका एप्रोक्सी फिफ्टी भी नहीं लेते, लेस देन 20 लेते हैं, और 20 से कम पे आपका बनेगा SN1 प्रोडक्ट, और कोई बोल दे 20 से 50 के बीच में क्या कंडीशन है, तो फिर वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी इस केस में दोनों आपको मिलेंगे, उसमें आप मेजर माइनर डिसाइड करना क्या होगा, बोथ पॉसिबल। मतलब SN1 प्रोडक्ट भी बनेगा और आपका E1। अब SN1 कैसे बनाना है वो आपको पता है, SN1 में भी कार्बोकैटायन बनता था और E1 में भी कार्बोकैटायन बनता था, रीअरेंजमेंट उसमें भी हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी। बस E1 में क्या है, हाई टेम्परेचर है और E1 में आपको क्या कराना है, एक से अल्फा से हेलोजन हटा है, हाँ हेलोजन हटा दीजिए और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, एल्कीन बना दीजिए। SN1 में हम लोग क्या करते थे, SN1 में आपने जो बेस लिया उसको ऐड कराओगे और उसमें जो भी निगेटिव पार्ट होगा वो जहाँ पे एक्स है, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आकर के एक्स की जगह पे अटैच हो जाता है, ये चीज़ होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उससे समझते हैं। सपोज अपने पास है CH3 और यहाँ पे कोई हेलोजन लगा देते हैं Cl, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम एलिमिनेशन करा रहे हैं, हाई टेम्परेचर रखा है और हम ऐड करवा रहे हैं यहाँ पे, सपोज H2 को ऐड करवा रहे हैं,
ठीक है, या सी एस थ्री ओ एच ही ले, रिएजेंट हमने लिया सी एस थ्री। ठीक, टेम्परेचर जब हाई कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन की कंडीशन बन गई। तो एलिमिनेशन में क्या करें, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाए, पहले इसको हटाओ सीएल को, फर्स्ट स्टेप। जब सीएल अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन बन गया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करना है हमको, बीटा हाइड्रोजन से। तो ये भी, ये अल्फा है तो ये भी बीटा हो सकता है, ये भी किसी भी एक बीटा से, क्योंकि दोनों सिमिलर है, इधर भी सी एस थ्री इधर, तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। इधर से भी हटा सकते हो, इधर से भी, किधर से भी हटा दो, एल्कीन बन गया। ये तो था हमारा ई वन, ई वन के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बने, ई वन रिएक्शन हो रहा है। अब सपोज मान लो हम यहाँ पे टेम्परेचर को लो कर देते हैं, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले, और ये सी एस थ्री ओ एच को ऐड करा, तो आपको क्या बताया कि अगर टेम्परेचर लो होगा तो ये इवन ना होकर के कौन सा एलिमिनेशन, कौन सा रिएक्शन शो करेगा, ये शो करेगा आपका एसएन। तो एसएन ये कौन है, भारद्वाज। अच्छा, तो अब SN1 प्रोडक्ट बनाना है। SN1 में तो आपको पता है कार्बोकेटाइन बनता था, तो आपका रिटेंशन इन्वर्जन वाले दो प्रोडक्ट बनाने हैं। और प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, प्रोडक्ट में ये जो OCH3- है ये जा करके इस पर अटैच हो जाएगा, यही तो होता था। पहले आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, OCH3 आकर के इस पर अटैच हो जाएगा, यही होगा ना। तो ये SN1 प्रोडक्ट बन गया, और ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, E1 बन गया। मतलब सेम ही रिएक्टेंट है, सेम ही रिएजेंट है, बस टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन रहा है, और टेम्परेचर लो कर दिया तो SN1 प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो टेम्परेचर आप चेंज करोगे, हाई टेम्परेचर में E1 बनाना है और लो टेम्परेचर में आपको SN1 प्रोडक्ट। अब और क्या नई बात है, देखिए ये वाले जो है इसमें हम लोग वीक बेस यूज करते हैं एलिमिनेशन इवन में। वीक बेस लेने का क्या रीजन है, देखो वीक बेस लेते हैं ना क्योंकि इवन का जो मैकेनिज्म है उसमें बनना है कार्बोकेटायन, और स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होना है। एक स्टेप में पहले एक्स माइनस रिमूव होना है, फिर उसके बाद आपका दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होना है, इस तरीके से चीज चलनी है इसकी। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है कि ये एक्स माइनस के रिमूव होने का, ये सी एल माइनस के रिमूव होने का वेट नहीं करता है, वो सीधे अटैक कर देता है। जिस तरफ सी एल होगा उधर से अटैक नहीं करेगा, दूसरी तरफ से अटैक कर देगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो। तो इवन में क्या होता है, हम लोग वीक बेस लेते हैं, और वीक बेस के थ्रू इस तरीके का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। वीक बेस में जैसे H2O ले लिया, C2H5OH ले लिया, CH3OH ले लिया, इनको हम लोग लेते हैं। क्लियर है बात। अब अगर हम इसमें सॉल्वेंट की बात कर लें, तो सॉल्वेंट इसमें लिया जाता है, एक तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए,
डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है भाई, वही होगी तभी तो वो आपका जो भी आप ये ले रहे हो, ये आपने हेलो एल्केन लिया हुआ है और इस हेलो एल्केन में आपका ये जो हेलोजन है ये निगेटिव चार्ज वाला है और ये पॉजिटिव वाला है। जब सॉल्वेंट आपका डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वाला होगा तभी तो इसको सेपरेट कराएगा, सेपरेट कराने के लिए चाहिए होता है तो डाइलेक्ट्रिक तो होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो एलिमिनेशन में H प्लस को निकालना है, H प्लस को निकालना है तो यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। ये क्या करता है एक्स माइनस को निकाल लेता है, अटैच हो जाता है उसके साथ। तीसरी चीज अगर हम बात करें एलजी की, लिविंग ग्रुप की, तो लिविंग ग्रुप के लिए आप लोग याद रखिए कि लिविंग ग्रुप की एबिलिटी से रिलेट किया था हमने SN1 SN2 को, तो इसमें याद रखेंगे हम लोग कि ई1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा ई1 का रेट होगा। लिविंग ग्रुप के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि अगर हेलोजन में देखें तो आई माइनस सबसे अच्छा, फिर BR माइनस, फिर CL माइनस, फिर F माइनस, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आई माइनस। क्लियर है बात? अब देख ई1 में क्योंकि बन रहा है कार्बोकैटायन, तो बात की जाएगी रेट की अगर, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और आपको पता है कि अगर कहीं पे स्टेबिलिटी गेन हो रही है तो वही आपका ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो इसका मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यही ऑर्डर फॉलो, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी इसी ऑर्डर में होती है। तो ई1 प्रोडक्ट की अगर हम बात करें कि किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, जिससे 3 डिग्री प्रोड्यूस होगा, जैसे मान लो यही वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर हम देखें तो BR को हटाओगे तो ये 3 डिग्री बनेगा कार्बोकैटायन। अगर दोस्त आप लगा दो CH3 तो यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, और अगर आप एक लगा दो तो क्या बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। क्लियर है बात? तो एलिमिनेशन का ऑर्डर इसमें क्या होगा, ये 3 2 1, यानी ये वाला कंपाउंड रहेगा ए बी, ये ऑर्डर। ये सिमिलर बातें, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को हमने देखी। हम लोग इसको यूज़ कहाँ करते हैं, अगर हम हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन की कौन सी प्रॉपर, कौन सा रिएक्शन होगा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। और इस डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकालना है हमको, और बनाना क्या है अगर हम बोले तो, हेलो एल्केन से बनेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ये चीज हो, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड से अगर आपको एल्कीन बनाना है तो ये मेथड यूज़ करते हैं, बट इसको बहुत अच्छा मेथड नहीं कहते। अच्छा मेथड क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर लो होगा, आप हाई टेम्परेचर पे करा रहे हो बट जैसे ही टेम्परेचर लो होगा, या उसमें भी कभी कभी SN1 प्रोडक्ट मिलने लगता है। तो क्या होता है, आप बनाने चले हो किसी और कंपाउंड को, एल्कीन बनाने चले हो और आपको दूसरा कंपाउंड भी मिलने लगा साथ साथ में, तो सेपरेशन क्या होता है, एक टीडीएस प्रोसेस हो जाता है ना,
तो हमेशा प्रिपरेशन वगैरह में वैसे ही मेथड्स को यूज़ किया जाता है जिसमें दो तरीके के प्रोडक्ट ना हो। क्लियर है बात? अब देखिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जिससे कि सिंपल वाला एग्जांपल तो अभी हमने कर लिया था। जैसे मान लो ये है हमारे पास, सपोज ये कंपाउंड है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका कार्बन है ये 2 डिग्री है ना। इस पे आप टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो और CH3OH की रिएक्शन करवा लो। तो CH3OH आपने देखा, वीक बेस देखा और 60 डिग्री टेम्परेचर देखा, तो आप बोलोगे कि भाई E1 कराना है, तो कार्बो कैटायन बनाना है, तो कार्बो कैटायन पहले बना दें। तो कैसा कार्बो कैटायन बना? टू डिग्री। अब देखो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी है क्या कि ये कहीं से 3 डिग्री बन जाए? देखो 3 डिग्री अगर इसको बनाना है तो क्या कर सकते हैं? ये पॉजिटिव है आपका, पॉजिटिव सेंटर है। अगर 3 डिग्री बनाना होता है तो कुछ हम लोग इसमें कर सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होती कैसे? अगर हाइड्राइड शिफ्ट की बात करो तो हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे हो कैसे सकती है? कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब है कि उस हाइड्रोजन को किसी और के पास शिफ्ट कर दो। तो कोई शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है? देखिए ध्यान, भाई इस हाइड्रोजन को अगर आपको शिफ्ट करना है तो इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करोगे, अगर इधर करते हो तो यहाँ CH3 बन जाएगा, तो ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। और इधर करोगे तो यहाँ पे भी CH3 बन जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कर सकते। तो कैसे करोगे फिर? प्रोडक्ट क्या बनाओगे? तो प्रोडक्ट आपके सिंपल प्रोडक्ट बन जाएंगे। कैसे? यहाँ से आपकी मतलब कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। तो क्या करें प्रोडक्ट? अब एक जगह से तो हैलोजन हटा दिया और बीटा से क्या हटा दें? हाइड्रोजन हटा दें। तो ये वाला था आपका अल्फा, अगर ये अल्फा है तो ये भी बीटा हो जाएगा और ये भी बीटा हो जाएगा। तो दोनों से आप हाइड्रोजन हटा के प्रोडक्ट बना सकते हो, तो दो तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हो। कैसे? अगर यहाँ से आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, हेलोजन तो यहाँ से कर दिया, ये बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, और अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो इधर वाले कार्बन से, अगर इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बन जाएगा, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक बार इस बीटा से हटाया और एक बार इस बीटा से हटाया, दोनों साथ में नहीं हटाना, एक बार ऐसे बनाए प्रोडक्ट इसको अल्फा बीटा मान के और एक बार इसको अल्फा बीटा मान के प्रोडक्ट बना दिए, दो प्रोडक्ट बन गए। अब इसमें भी भाई कौन मेजर कौन माइनर? ठीक है, तो इसके लिए एक रूल आया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेडजेफ। क्या है भाई? इसमें हमें ये देखना है कि जो एल्कीन बन रही है ना, वो कौन सी मोर स्टेबल एल्कीन है। और मोर स्टेबल एल्कीन हम लोग बहुत सारे तरीकों से वैसे तो देख सकते हैं। एक तरीका है हाइपर कंजुगेशन वाला देखने का। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? उसमें हम लोग देखते हैं कि किसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन है, किस एल्कीन के।
वो हो जाएगी आपकी, उसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और वो बन जाएगी मोर स्टेबल, लेकिन वही होगी आपकी मेजर प्रोडक्ट और उसी को हम लोग बोलते हैं सेडजेक प्रोडक्ट भी नाम देते हैं। और इसको हम लोग ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं बुक में, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। और कहीं कहीं पे लिखते हैं मोर क्राउडेड है। तो ये है सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या है कि इस प्रोसेस में जब टी हाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हो, इवन एलिमिनेशन कर रहे हो, एल्कीन बना रहे हो, तब कौन सी एल्कीन आपकी ज़्यादा स्टेबल, जो स्टेबल ज़्यादा एल्कीन बनेगी वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। और स्टेबिलिटी हम लोग कई तरीके से चेक कर सकते हैं। एक प्रोसेस इसमें है कि आप अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए, जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे या जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, मोर क्राउडेड होगी, वही आपकी क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी आपकी स्टेबल प्रोडक्ट। तो अगर आप देखो इन दोनों में से एक ब्यूटीन टू बन गया, एक ब्यूटीन वन बन गया, देख रहे हो। तो इसको अगर देखो तो एल्कीन में हम लोग अल्फा बीटा कैसे देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन तो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन ये हो गया। अब यहाँ से नहीं सोचना है, अब यहाँ से सोचना है डबल बॉन्ड के हिसाब से, इस कंपाउंड को सोच रहे हैं। तो एक अल्फा हाइड्रोजन ये, एक अल्फा कार्बन ये, तो इसके पास थ्री हाइड्रोजन, इसके पास थ्री हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पे सिक्स अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है सबको। और अगर यहाँ पे बात करो तो डबल बॉन्ड ये है आपका, इस डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है दैट इज दिस, इस तरफ तो कोई है ही, तो इस कार्बन पे अगर देखो तो अल्फा हाइड्रोजन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, टू दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाली जो एल्कीन होगी वो क्या होगी, मोर स्टेबल, और जो ज़्यादा स्टेबल होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट, या यही होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, मतलब ज्यादा अमाउंट में यही। क्लियर है बात, बनेंगे दोनों ये मेजर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट, और जो माइनर प्रोडक्ट होता है उसको एक और नाम देते हैं हम लोग, उसको हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट। लीस्ट स्टेबल को हॉफमैन प्रोडक्ट भी बोलते हैं और मेजर प्रोडक्ट जो होता है उसको सेडजेफ। अब जो वर्ड यूज़ किया था मोर सब्स्टिट्यूटेड, उसका क्या मतलब है, देखो ये डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन है, यहाँ पे इस तरफ से एक मिथाइल लगा है, इस तरफ से एक मिथाइल, यानी दो ग्रुप लगे हुए हैं। अगर देखो, अगर इस एल्कीन को देखो आप, तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, यहाँ पे एक ही ग्रुप लगा है, बड़ा ग्रुप है ऑल दो, लेकिन एक ही ग्रुप लगा हुआ है, इसको एक ही ग्रुप काउंट करोगे ना इथाइल, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन दोनों तरफ से, इसमें सब्स्टिट्यूशन केवल एक तरफ से है डबल बॉन्ड पर, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड हो गई और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हो गई, इसलिए ये मोर स्टेबल। क्लियर है बात इतनी। ठीक है, अब देखो इसमें भी अगर हम बोलें ये वाला जो कंपाउंड है हमारा, जिसको हम मोर सब्स्टिट्यूटेड बोल रहे हैं, हाँ एक एक बार इसकी कहानी बता दूं, फिर जस्ट इसके बाद लेते हैं तुम्हारे क्वेश्चन। ये मैं इसमें ये बता रही थी कि ये ब्यूटीन टू है ना आपका, तो ब्यूटीन टू में क्या है आपका कि आप देख पा रहे हो कि ये दो तरीके के बना सकता है, सिस ट्रांस बना सकता है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस दोनों को ही सेडजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे। भाई ऐसे ही एल्कीन तो सिस ट्रांस भी बनाते हैं,
लेकिन इसमें अगर देखोगे तो ट्रांस वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आपको पता है सिस और ट्रांस पे कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस वाला। तो अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए, एक सिस बना के दे दें, एक ट्रांस बना के दे दें और एक ये बना के दे दें, तो आप किसको बोलोगे सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट किसको बोलोगे, या सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी आपकी, ट्रांस वाली। क्लियर हुई बात? एलिमिनेशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो अभी तक बताई भी, उनको एक बार बस समझ लो। टेम्परेचर होना चाहिए हाई, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, 50 से अबव टेम्परेचर देखना है हमें, वीक बेस यूज़ करना है तब होगा इवन। अगर टेम्परेचर लो करोगे SN1 प्रोडक्ट बनने लगेंगे, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। बीटा से हाइड्रोजन हटाने के बाद जितने बीटा है सबसे हाइड्रोजन हटा करके प्रोडक्ट बनाएंगे, मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें आपका स्टेबल एल्कीन बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा बनेगा एल्कीन में वो ज़्यादा स्टेबल होगी, और उसको सेटजर प्रोडक्ट बोलेंगे। जो लीस्ट स्टेबल वाली होगी उसको हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें आपका सिस ट्रांस भी बन सकता है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड बन रहा है जैसा कि अभी अपने वाले में बना था, तो उसको हम लोग उसमें अगर स्टेबिलिटी पूछ ली जाए तो ट्रांस वाले की ज़्यादा हो जाएगी, सिस वाले की कम हो जाएगी। क्लियर है बात? अब बताइए हर्षित, अब आप क्या कह रहे थे? हाँ जहाँ पे आप ये कह रहे हो कि जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी का और कोई फैक्टर देखना पड़ेगा, जैसे देखना पड़ेगा कहीं अगर रेजोनेंस हो रहा हो, कोई और चीज़ हो रही हो, एलाइल बन रहा हो, क्या चीज़ें बन रही हैं, दैट डिपेंड्स। ठीक है, मेन बात यह है कि स्टेबिलिटी देखनी है। जैसे अभी एक दो केस आपको वैसे भी बताएंगे जहाँ पे आपका कुछ इससे डिफरेंट चीज़ निकल के। अच्छा, इवन की सारी बातें समझ आ गई, कैसे कैसे करना है, कार्बोकेटाइन कैसे बनना है, क्या होना है। अब एक दो एग्जाम्पल किए जाए इसमें, देखो जैसे ये है अपना एग्जाम्पल, ये है कंपाउंड H2O लगाया है हमने 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं आपको प्रोसेस, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखो जैसे स्टेप बाय स्टेप में अगर देखो तो पहले ये Br रिमूव होगा, यहाँ से Br माइनस बनेगा, ये आपका Br माइनस अलग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा सेंटर। यहाँ तक बात क्लियर है? कैसा कार्बोकैटायन बना, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ये आपका है 1 डिग्री। ठीक है, एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री हो गया। अब इसमें कोई पॉसिबिलिटी है कि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाए, क्या करना है, देखो यहाँ से हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करें, हाइड्राइड को अगर शिफ्ट करें, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, और वो भी 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से एच माइनस जाएगा। एच माइनस की क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं। एच माइनस जब यहाँ से शिफ्ट होगा इस हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि H अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला, ये वाला ये ऐसे है। ये आपका ऐसे था हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको लेकर के इस पे आ गया। जब ये यहाँ पे आ जाएगा अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था तो इसका नुकसान हो गया, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा।
अब इस कार्बोकैटायन को अगर देखो तो ये 1 डिग्री था, अब ये कैसा बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। तो स्टेबिलिटी हो गई, ये प्रोसेस क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हो गया। अब क्या करना है, अब आपको बीटा से क्या हटाना है, हाइड्रोजन हटाना है। तो बीटा से आपको हाइड्रोजन हटाना है, तो देखो अल्फा अगर कार्बन ये है, कार्बोकैटायन इसी पे है, तो ये बीटा, ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा, तीनों बीटा आप देख रहे हो सेम है, CH3 CH3 CH3। तो किसी से भी आप प्रोडक्ट बना दो, एक ही प्रोडक्ट होगा, उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, एक से हाइड्रोजन हटा दो किसी से। क्लियर है बात, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ बोलो। हाँ प्रोडक्ट पूछा हुआ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमने कौन सा एलिमिनेशन कराया, ई बनता है, हाई टेम्परेचर देखा और H2O देखा, तो हमने एलिमिनेशन करा दिया, और एलिमिनेशन करा के हम लोगों ने प्रोडक्ट बना। अब देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन, यहाँ पे Cl अटैच है, तो जिससे Cl अटैच है उसको हम अल्फा बोलते हैं, और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा हो गया, बीटा हो गया। अब क्या करना है, इस Cl को हटाना है पहले, इस सीएल को हटाओगे तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, यहाँ सीएल तो हट गया, ये पॉजिटिव डेवलप हो गया। तो अगर इस कार्बन को देखो तो आपका ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कैसा है ये कार्बोकैटायन, 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो देखते हैं शिफ्टिंग वगैरह हो सकती है क्या, शिफ्टिंग कैसे करते हैं, शिफ्टिंग जो आपका उसका अगला कार्बन है उससे हाइड्रोजन को आप शिफ्ट कर सकते हो। तो इस कार्बन को अगर देखो तो 1 2 3 बॉन्ड तो इसके बने हुए हैं, अगर 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो एक हाइड्रोजन तो इसके पास होगा ही होगा, वो हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है इसके ऊपर। यहाँ पर जब शिफ्टिंग होगी तो अब पॉजिटिव यहाँ पर डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर CH3 बन जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन कैसा बन गया, 3 डिग्री बन गया, अब 3 डिग्री बन गया। तो इस कार्बोकैटायन के पास अब ये अल्फा कार्बन बन गया, और इस अल्फा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन कौन कौन से हैं, वहां से हमको हाइड्रोजन हटाना। तो अगर इस कार्बोकैटायन के पास देखो तो एक तो CH3 ये है, इसको अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसे बना सकते, एच तो है नहीं इसके पास, ये है स्ट्रक्चर, ये यही तो है स्ट्रक्चर। तो अगर ये अल्फा है तो अब बीटा ये भी बन सकता है, बीटा ये भी बन सकता है, और बीटा ये भी बन सकता है, तीनों बन सकते हैं ना बीटा कार्बन। इतनी बात किसको समझ नहीं आती है, पहले क्या किया Cl- को हटाया, कार्बोकैटायन बनाया, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी कि बन सकता है क्या, तो यहाँ पे हाइड्रोजन था तो शिफ्ट करवा दिया, उसको CH3 बना दिया, और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये अल्फा इसको मान रहे हो, तो इसके बगल वाले सारे बीटा हो जाएंगे, तो एडजेसेंट में ये भी है, ये भी है, ये भी है, है ना। अगर आप देखो तो इससे अगर आप हाइड्रोजन हटाते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, और अगर इससे हाइड्रोजन हटाते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशन तो एक ही तरीके की हैं, सिमिलर पोजीशन है, तो दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं होंगे, या तो यहाँ पे दिखा दो या यहाँ दिखा दो, बात एक ही। लेकिन अगर इससे हाइड्रोजन हटाते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो दो तरीके के, इसका मतलब क्या है, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, इसका हाइड्रोजन हटाओ, और एक बार यहाँ पर लगा दो, तो आप प्रोडक्ट ऐसा बना सकते हो। एक बार यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया,
यहाँ CS3 लगा हुआ है, और एक बार क्या किया, बाहर डबल बॉन्ड लगा। बात क्लियर है? ठीक है, एक बार यहाँ के हाइड्रोजन को रिमूव कराया तब यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप होगा, और एक बार यहाँ के हाइड्रोजन को रिमूव कराओगे तो तब डबल बॉन्ड। अब इस ये वाला आप बोलोगे तो ये भी प्रोडक्ट सेम ही होगा, अगर इसको देखा जो पोजीशन सेम होती है उसमें तो सेम ही प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको बार बार लिखने का मतलब नहीं, वो तो सेम ही। तो एक एल्कीन ये मिल सकती है, एक एल्कीन ये बन सकती है। अब फिर से वही मेजर माइनर देखना, तो क्या देखें, मेजर माइनर में अल्फा हाइड्रोजन देख लें, देखो ये एल्कीन वाले डबल बॉन्ड है, इनके पास अल्फा कार्बन, देखो अगर इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, तो इस डबल बॉन्ड के अगर रिस्पेक्ट में देखो तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, देख पा रहे हैं? यहाँ पे CH3 होगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 होगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 होगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने आ गए अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ पे देख लो ये डबल बॉन्ड है आपका, तो ये अल्फा होगा और ये अल्फा होगा, यहाँ पे 2 ही अल्फा कार्बन दिखाई दे रहा है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये क्या होगी, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्लियर है बात? किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। ध्यान क्या रखना है, हाई टेम्परेचर, वीक बेस, एलिमिनेशन, अल्फा से हेलोजन हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद देख लो अगर स्टेबिलिटी मिल रही है कहीं से हाइड्राइड वगैरह शिफ्ट करके, तो स्टेबल कर लो कार्बोकेटाइन को, और अगर वैसा कोई केस नहीं बन रहा है तो सीधे सीधे प्रोडक्ट बना दो, बीटा से हाइड्रोजन हटा दो, जितने भी बीटा हैं उनसे हाइड्रोजन अलग अलग हैं तो अलग अलग हाइड्रोजन हटा के अलग अलग एल्कीन बनेगी, और उसमें मेजर माइनर देखना। अब देखो यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है, ये कंपाउंड, प्रोडक्ट बनाना क्या करें, ईवन प्रोडक्ट बनाना है, और यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर के SN1 प्रोडक्ट। ट्राई करो जरा खुद से, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर कम कर दिया तो SN1 प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट लिखना है। चलो बताओ कौन बताएगा, अनुकृति क्लास में है? चलिए बताइए, ट्राई करिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप बता दो क्या करें। कोई और BR ब्रेक कर देते हैं, ये वाला बॉन्ड खत्म, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत? अब क्या करें, अब ये कैसा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री, ठीक है 2 डिग्री है, अब कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग करने से ये 3 डिग्री बन सकता है क्या,
नहीं देखो, ये कार्बन है ना, हाँ इसके पास 1, 2, 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो इसकी शिफ्टिंग कर दें इधर इधर, ठीक है? तो अगर इसकी शिफ्टिंग कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? कैसे? यहाँ से तुम शिफ्टिंग करोगे हाइड्रोजन को, तो H प्लस इसको मिल जाएगा, और H प्लस मिल गया तो क्या बन जाएगा? ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया भाई। ये अगर इसको देखो, यही तो था, ये कार्बोकेटाइन, ये वाला स्ट्रक्चर। अब ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था, अब इस एच को यहाँ पे कर दिया हमने, जब इस एच को यहाँ पे कर दिया तो ये CH2 बन जाएगा और यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, यही चीज़ बन जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? पहले सब लोग बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है? कार्बोकेटायन स्टेबल करना, ये 3 डिग्री बना दिया अब हमने इसको। अब 3 डिग्री बन गया तो अब क्या करना है? ये अल्फा हो गया तो ये बीटा हो सकता है, ये बीटा हो सकता है, ये बीटा हो सकता है, ये दोनों पोजीशन तो सेम है अगर बोलो तो। चाहे इससे प्रोडक्ट बना दो, चाहे इससे बना दो, मतलब इस पे डबल बॉन्ड लगा दो या इस पे डबल बॉन्ड लगा दो, बात एक ही है। जब यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो डबल बॉन्ड आएगा। अब ये वाले से अगर आप करते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम देखें, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? अब देख लेते हैं कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर ये देखो तो ये डबल बॉन्ड है, तो ये अल्फा इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, ये अल्फा, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 होंगे क्योंकि ये मिथाइल है, और ये CH2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होंगे, तो अल्फा 5 होगा टोटल। यहाँ पे अगर देखो तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड मोर सब्स्टिट्यूटेड भी, ये दिख रही है आपके, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है आपका CH3। तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 अल्फा H, यहाँ पे 3 अल्फा H और यहाँ पे भी 3 अल्फा H, तो टोटल में अल्फा H कितने हो गए? 9 हो गए। तो ये मेजर हो जाएगी और ये माइनर हो जाएगी। कोई ऐसा जिसको बात क्लियर नहीं हुई हो? देखो, जब भी तुम्हें इस तरीके के स्ट्रक्चर से बात क्लियर ना हो तो ऐसा स्ट्रक्चर बना के देखो, क्योंकि कई बार ऐसे वाले में बच्चों को समझ नहीं आता कि एच कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के फिर शिफ्ट करके और प्रोडक्ट बना। भाई हमने क्या किया, यहाँ से इसको शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद इसको कार्बोकेटाइन बना दिया, ये कार्बोकेटाइन बन गया, फिर उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन रिमूव किया तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ डबल बॉन्ड, और अगर इस वाले से रिमूव कर दिया इधर आपके, तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है बात? अगला कौन बताएगा? बिल्कुल सिमिलर है। अच्छा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो लिया था उसको भी कर लेते हैं भाई। कार्बोकेटायन तक तो सेम ही है, कार्बोकेटायन तो उसमें भी बनता ही है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर से रिएक्ट करा रहे थे तो SN1 हो जाएगा। SN1 में क्या करते हैं? H+OH-, तो OH- को अटैच कराना है। Br की जगह क्या आ जाएगा? OH- आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन इसमें भी तो 3 डिग्री बनेगा ना,
जल्दी बताओ। थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना था ना, तो यहाँ पे तो अटैच नहीं करा सकते ना। वो इसको कहाँ पे अटैच कराना है भाई? ये बना था, फिर उसके बाद शिफ्टिंग हुई थी, तो शिफ्टिंग के बाद कार्बो कैटायन आपका कहाँ पे बना था? यहाँ पे बन गया था, यही बात हुई थी। अब यहाँ पे OH बन गया, क्लियर है? तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका? ये हो गया आपका प्रोडक्ट 3 डिग्री एल्कोहल, क्लियर है? अब नेक्स्ट कौन बताएगा, जल्दी से बोलो। हर्षित बताना चाहते हैं, चलिए कुछ अच्छा सा लेते हैं। कैसा कार्बो कैटायन है? अब 3 डिग्री बनाने की पॉसिबिलिटी है इसको भाई? 2 से ज्यादा स्टेबल तो 3 ही है, तो 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी तो है नहीं इसमें, यहां से यहां नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे क्या बना दे? एल्कीन बना दे। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो गया, तो भाई ये अल्फा ये है, तो बीटा ये भी हो सकता है और बीटा ये भी हो सकता है, दो हो सकते हैं ना बेटा। तो एक बार बीटा से हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे तो डबल बॉन्ड कहाँ पे क्रिएट होगा? एक बार यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और एक बार हटाओगे तो एक बार। क्लियर है बात सबको? जिसको नहीं क्लियर हो भाई पूछ लो, नहीं तो फिर। अब इसको अगर देखो तो ये डबल बॉन्ड बीच में है, इधर मिथाइल इधर मिथाइल, तो अल्फा 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 हाइड्रोजन देखो तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ भाई। ये CH3 ये CH3, यहाँ पे अगर देखो तो अल्फा हाइड्रोजन यही होगा, तो यहाँ पे CH2 आएगा, तो CH2 है मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो मोर स्टेबल कौन सा होगा? और ये लेस स्टेबल होता है, ये सिस ट्रांस भी शो कर सकता है, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन और 2 मिथाइल लगे हुए। अब ये बात तो थी E1 की, हाई टेम्परेचर और आपका वीक बेस लोगे तो E1 एलिमिनेशन होगा, टेम्परेचर थोड़ा लो होगा तो SN1 हो सकता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जब टेम्परेचर हाई रेंज में रखो तो E1 प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और अगर टेम्परेचर लो कर दो तो आपका क्या बन जाएगा? SN1 प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन में देखो कहानी होती क्या है। E2 एलिमिनेशन में एलिमिनेशन होगा, प्रोसेस वही होगा, प्रोडक्ट उसी तरीके से बनाने हैं, लेकिन बस मैकेनिज्म में डिफरेंस है, प्रोडक्ट उसी तरीके से बनेंगे। मैकेनिज्म में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, वहाँ पे हम वीक बेस लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाई टेम्परेचर हीट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है? देखो क्या काम करेगा स्ट्रॉन्ग बेस,
हमने कंपाउंड लिया था सपोज ये वाला, ये लिया कंपाउंड, इसके ऊपर हमने कोई स्ट्रांग बेस लगा दिया। अब बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है H प्लस को गेन करना। H प्लस गेन करना चाहता है बेस, ठीक है। तो ये क्या करवाएगा, ये कहीं से जहाँ पे भी H प्लस जहाँ से निकल सकता है उस H प्लस को ये गेन करने की कोशिश करेगा। और क्योंकि ये स्ट्रांग बेस है तो स्ट्रांग बेस होने की वजह से जैसा यहाँ पे हुआ था कि फर्स्ट स्टेप में पहले आपका Br- माइनस रिलीज होता था, कार्बोकेटाइन बनता था, उसके बाद जाके हाइड्रोजन रिमूव होता था, ये स्टेप थे आपके E1 के। लेकिन E2 में क्या होता है, E2 में ये स्ट्रांग बेस आ जाता है। तो स्ट्रांग बेस कभी भी वेट नहीं करता है कि पहले Cl निकले, कार्बोकेटाइन बने, तब हम अटैक करें। जिस तरफ Cl अटैच है उसके दूसरी तरफ से स्ट्रांग बेस अटैक कर देता है और एक TS काइंड ऑफ बनती है चीज, ट्रांजिशन स्टेट काइंड ऑफ बनता है, और इसके थ्रू फिर प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट तो सेम होते हैं लेकिन मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट बननी है और जो रेट डिपेंड करेगा वो ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे अगर हम बोलें RDS की बात करें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करें, तो उसमें आपका जो हमारा सबस्ट्रेट है, मतलब जो हेलो एल्केन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी इम्पोर्टेंस रखेगी और जो हमारा बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी इम्पोर्टेंट रखेगी, इसीलिए इसको बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन। क्लियर है बात इतनी? स्ट्रांग बेस ने क्या किया, नो वेट टू रिमूवल ऑफ Br-, ये वेट नहीं करेगा Br- के रिमूव होने का, ये साथ साथ में अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट कर, ठीक है। देख कैसे प्रोसेस होगा, अगर ये कंपाउंड है हमारा, इसके साथ एच लगा दो, इसके साथ एच लगा देते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस और हीट कर लिया हाई टेम्परेचर, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही आएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस ये X माइनस को निकलने नहीं देगा, उसके पहले ही यहाँ पे आकर के अटैक कर देगा H प्लस के ऊपर। तो H प्लस के ऊपर जब अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वो एक ही स्टेप में HX रिमूव करवा देगा, H भी रिमूव हो जाएगा और X भी रिमूव हो जाएगा, दोनों एक ही स्टेप में रिमूव होंगे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, एक जगह से H दूसरे जगह से X। यहाँ पे अगर हम बोलें तो प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस को अगर समझो तो क्या हो, यहाँ पे आ गया स्ट्रॉन्ग बेस, एस बी आ गया। अब ये एस बी क्या करेगा, इधर जिधर पे एक्स है ये भी, क्योंकि एक्स माइनस की तरह निकलना है इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो ये X माइनस है, इधर से स्ट्रॉन्ग बेस नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस के पास भी क्या होंगे, LP होंगे, लोन पेयर होंगे, इसके पास भी लोन पेयर होंगे, तो रिपल्शन होता है, तो इस तरफ से आएगा, इधर से आ गया ये स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस इसके पास आ गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस जब यहाँ पे H के पास आता है तो क्या करता है, ये इससे अटैच होने की कोशिश करता है और इसको निकालने की कोशिश करता है। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये धीरे धीरे इधर की तरफ शिफ्ट होगा, और जब ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो धीरे धीरे यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि ये पूरा पेयर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे धीरे धीरे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा स्केयर्स के बीच में। जब इस पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे पोजीशन देखो क्या बनेगी इस कार्बन की, 1 2 एक और डबल बॉन्ड जो बन रहा है 3,
ये फोर और ये हाइड्रोजन तो हाई है, तो फाइव इसकी वैलेंसी होने लगे। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इस कार्बन पे भी प्रेशर आएगा और ये क्या बोलेगा कि भाई ये जो तुम एक्स माइनस हो ना, ये अपना पेयर लेके तुम निकल लो। तो एक सिचुएशन ये बनेगी कि ये इधर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, फिर ये शिफ्ट हो रहा है इधर की तरफ, यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर और ये बेस इससे अटैच हो रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट अगर हम बोलें तो कुछ इस तरीके की। मैकेनिज्म से बना देते हैं क्या, क्वेश्चंस फ्रेम कर देते हैं, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए डॉट डॉट से दिखाया गया है। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, इस कार्बन के ऊपर अगर हम बोलें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन डेवलप हो रहा है, इस पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे ये वाला भी ब्रेक होने को है। तो क्या होता है, ये एक बनती है TS, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये TS बनेगी और इस TS के बाद फिर क्या होगा, सिंगल स्टेप में ही ये H भी रिमूव हो जाएगा और ये X भी रिमूव हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है बात। अब बोले डिफरेंस क्या था, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस आ गया और स्ट्रॉन्ग बेस ने अटैक कर दिया और वेट नहीं किया कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन का, तो यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनने वाला, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अगर ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है तो स्टेबल एल्कीन बनाएगी वो, और आपका रिएक्शन बाई मॉलिकुलर बोला जाता है क्योंकि बेस और एल्काइल हैलाइड दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिपेंड करता है। क्लियर। और इसको कभी कभी हम लोग एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि आपका जो बेस आके अटैच हो रहा है वो अपोजिट साइड से, तो अगर बोला जाए तो TS की स्टेबिलिटी के ऊपर रेट ऑफ E2 डिपेंड करे। अब क्या क्या है पॉइंट्स समझ लेते हैं। सिंगल स्टेप में होगा, बहुत दिमाग में बैठा के रखेंगे, नो कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन जैसी कोई चीज़ नहीं बनेगी, रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है यहाँ भाई, कार्बोकेटायन ही नहीं बन रहा तो किस बात का रीअरेंजमेंट। अल्फा बीटा एलिमिनेशन की ही बात हो रही है, मतलब एक कार्बन अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, एंटी एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो बेस अटैक करता है वो जिधर आपका x माइनस है उधर से। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस की हमें लिस्ट पता होनी चाहिए, कौन कौन से, देखो कहीं पे लिखा हो एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, NaNH2 लिखा हो, NH3 या आपका टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे भी, ठीक है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन होता है सोडियम का सॉल्ट है, या आपका RO- दिख जाए, तो ये चीज़ें अगर आपको दिख जाती हैं तो आप बोलोगे क्या कि भाई ये हो रहा है आपका E2 के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए।
क्लियर है बात? यहाँ पे जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, एक यहाँ पे अगर देखो तो ये आपका एल्कीन बनने ही वाला था, उसके पहले वाला स्टेप था ये। इसके बाद क्या बनेगा? एल्कीन बन जाएगा, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया जो टी एस स्टेट है, तो कभी कभी इसको, इस टी एस को हम लोग एक नाम भी देते हैं, इसको हम लोग बेबी एल्कीन। ठीक है, अब एल्कीन बनने वाला, उसके पहले ये बेबी एल्कीन। आप प्रोडक्ट तो बना ही लेंगे, बस क्या देखना है आपको? रिएजेंट देखना है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन वही है, बस स्टेप्स अलग हो गए। कार्बोकेटायन यहाँ पे बनाना नहीं है, रीअरेंजमेंट का कोई चक्कर नहीं है। सीधे सीधे क्या करना है? अल्फा से हटाओ हेलोजन, बीटा से हटाओ हाइड्रोजन, बना दो प्रोडक्ट। क्लियर? ठीक है, तो इतनी बात याद रखेंगे। SN1, E1, E2, इन तीनों में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जो भी अल्काइल हैलाइड होंगे वो आपके ऑर्डर ये डिसाइड करेगा रेट। SN2 में बस डिफरेंस होता है, SN2 में 1 डिग्री ज़्यादा देता है, 2 डिग्री वो, और 3 डिग्री देता है। इन तीनों का ऑर्डर यही है और इसका ऑर्डर चेंज। क्लियर है? अब देखो, अगर हम बात करें कि E2 में सॉल्वेंट कैसा ले, तो E2 में सॉल्वेंट की कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि सॉल्वेंट यहाँ पे ए प्रोटिक लेंगे, पोलर तो लेंगे। पोलर का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि Br माइनस को अलग करवाएगा, लेकिन ए प्रोटिक लेंगे। ए प्रोटिक लेने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट आपका ए प्रोटिक है तो वो प्रोटॉन नहीं देगा, और प्रोटॉन नहीं देगा तो जो आपका बेस है उसको ट्रैप नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोई आपका सॉल्वेंट ऐसा है उसमें जो आपके बेस को ट्रैप कर देगा, तो यहाँ पे किसको अटैक करना है? बेस को ही तो अटैक करना है जाके। तो बेस अगर आपका कहीं से ट्रैप होने लगा तो रिएक्शन आपका E2 नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेस को फ्री रखने के लिए हम लोग ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद हमारी बात खत्म। E1 E2 की कहानी क्लोज हो जाए। कौन बताएगा? CH3O- ले लो, ठीक है। और क्या कर रहा है? हीट कर रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, SB है। अब प्रोसेस कौन सा होना है? E2 होना है। प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं? सीधे सीधे बनाने हैं, ट्रांजिशन स्टेट ये वो कुछ भी नहीं सोचना। चलो बताओ क्या प्रोडक्ट हो सकता प्रोडक्ट में क्या करना है? देखो, दो ही स्टेप तो याद रखने। अल्फा कार्बन से क्या हटा दो? Br को हटा दो, और बीटा कार्बन से किसको हटा दो? हाइड्रोजन को हटा दो। यही तो करना है, दो ही काम करने हैं अपने को। करें?
ये अल्फा है, अब ये अल्फा है तो बीटा कौन सा है, ये वाला। तो इस बीटा से आपको हाइड्रोजन को हटाना है और अल्फा से क्या हटाना है, ब्रोमीन को हटाना है, तो हटा दीजिए। ये बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत? और कोई भी बन सकता है, और कोई नहीं बनेगा, कोई पॉसिबिलिटी? अब हर्षित के अलावा कोई और ट्राई करे, अब की बार यहाँ पे सीएल लगा दिया। चल अब बताओ, ये अल्फा है तो बीटा कार्बन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक बार इससे एलिमिनेट करवाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा, ये दोनों पोजीशन को तो सेम ही मानोगे, भाई सेम है ना, इधर सी एस थ्री ले लो या इधर सी एस थ्री ले लो, तो एक ही प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी बना दो चाहे इससे बना दो, बता दो क्या बनाए। ये ऐसे ही और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको क्लियर ना हुआ? कितने लोग हैं क्लास में? प्रणय है, हर्षित है, विधि है, अनुकृति है, अभिनव है, विकास है, और कौन? अच्छा, दो तो हमारे ही है। चलो चलो बताओ, कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ कैसे प्रोडक्ट बनाना है? अल्फा से हेलोजन हटाना है, बीटा से हाइड्रोजन हटाना है, देख लेंगे किसमें कितने बीटा हाइड्रोजन है। अगर अलग अलग इस पोजीशन और इस पोजीशन को सेम मान रहे, क्योंकि यहाँ पे भी सी एस थ्री अटैच है, यहाँ पे भी सी एस थ्री अटैच है, तो चाहे इधर डबल बॉन्ड बना के बना दो प्रोडक्ट, या इधर डबल बॉन्ड, अगर इधर डबल बॉन्ड करोगे तो इधर मिथाइल दिखा दो, और ये पोजीशन डिफरेंट है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये एक ये। यहाँ पे अगर देखो तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होंगे वही आपकी हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो यहाँ पे अगर देखो तो 9 अल्फा, नहीं 9 नहीं, सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री, तो आपके कितने हो जाएंगे, 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और अगर इसको आप देखोगे तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ सी एस थ्री और यहाँ पे केवल आपका सी एच होगा, तो यहाँ पे टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, पहली वाली हो? ये मोर स्टेबल हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेटजेफ प्रोडक्ट। और ये लेस स्टेबल हो जाएगी, लीस्ट स्टेबल, तो इसको हाफ एंड प्रोडक्ट बोल सकते हैं। क्लियर है बात? विधि क्लियर हो रहा है? देख, अब एक और ले लिया हमने, ये यहाँ पे भी आ रहा है, एल्कोहलिक KOH है, हीट कर। जल्दी से बता, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ से Br को हटा दें और बीटा से किसको हटाएं, H को। अब बीटा पे देखो क्या सिचुएशन है, बीटा पे एच है क्या? यहाँ पे अगर देखो
तो इस कार्बन पे 1, 2, 3, 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या है? नो बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन तो है ही नहीं भाई, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। क्लियर है? H5ONa लगा दो, तो ये C2H5O- देगा, स्ट्रॉन्ग बेस है प्रोडक्ट बनाने। चल बताओ, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, दो बीटा हो गए ना। यहाँ से हाइड्रोजन हेलोजन हटा दो, और यहाँ से एक बार हाइड्रोजन, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन, तो एक बार यहाँ से हटाओगे तो ये डबल बॉन्ड, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा भाई। और एक बार आप यहां से हटा दो हाइड्रोजन, तो यहां पर डबल बॉन्ड। यहां से हटा दो हाइड्रोजन, दो प्रोडक्ट बन गए। अब देखो ये वाले को अगर देखो, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? तीन, ये तीन, ये तीन, ये तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है भाई डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। यहाँ से देखोगे, यहाँ पे देखो तो अल्फा हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं? यही तो अल्फा है, 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये माइनर हो जाएगा और ये मेजर हो जाएगा। क्लियर? अब इस तरीके से प्रोडक्ट बना लेंगे क्या? एक होमवर्क दे देती हूँ और एक और इम्पोर्टेंट केस बता देती हूँ, बस आपकी क्लास क्लोज कर। होमवर्क वाला ट्राई करिएगा आप। यहाँ पे हमने लगा दिया सी, दो मिथाइल लगा दिए, ये सी लगा, ये कंपाउंड है, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, मेजर माइनर सब बताना है। अब देखो एक स्पेशल केस बनता है, जैसे ये कंपाउंड है, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं ना, और एक बार इसको ट्रीट करते हैं हम लोग NaNH2 NH3 के साथ। तो यहां पे हमने लिया एल्कोहलिक KOH और यहां पे लिया हमने NaNH2 NH3, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हेलोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो हाइड्रोजन भी, ठीक। लेकिन ये जो है ये आपका डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, देख रहे हैं ना। तो जब कंपाउंड डबल बॉन्ड वाला आ जाता है ना, अभी तक हम जितने कर रहे थे सब सिंगल बॉन्ड के थे, हेलो एल्केन थे, तो डबल बॉन्ड वाला जब कंपाउंड आ जाता है और उससे अगर हेलोजिनेशन करवाना है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाना है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है। ये एल्कोहलिक KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन NaNH2 एंड NH3 दिस इज मोर स्ट्रॉन्ग देन एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक NaOH। ये क्या होंगे? ये आपके इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, एल्कोहलिक KOH से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये
कैन डिहाइड्रो हेलोजिनेट डबल बॉन्डेड कंपाउंड, मतलब डबल बॉन्ड से भी हाइड्रोजन और हेलोजन को ये रिमूव करा सकता है लेकिन ये नहीं करा पाता, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा और ये करवा देगा और प्रोडक्ट वैसे ही बनाने हैं सेम टू सेम, यहाँ से हेलोजन हटा दो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, देख पा रहे हो? क्लियर है बात? ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम जितने केस ले रहे थे ये जो है इस इसको भी, मतलब ये जो है आपका NaNH2 और NH3 है ये आपका सिंगल बॉन्ड वाले से भी कराएगा डबल बॉन्ड वाले से भी कराएगा, लेकिन बाकी जितने हम लोगों ने ये वाले लिए थे ऊपर वाले जो थे यहाँ तक वाले, ये एल्कोहलिक के OH और एल्कोहलिक NaOH, ये जो होते हैं ना इनका पावर स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं लेकिन इनके कंपैरिजन में कम होता है, तो ये डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं कर पाते, डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ पाते, तो वहाँ पे ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं करा सकते, सिंगल बॉन्ड पे करा सकते हैं। और ये जो होते हैं ये सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो दोनों पे ही करा सकते हैं, तो ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन डबल बॉन्ड वाले पे भी करवा देगा और ये वाले नहीं करा देगा। क्लियर है बात? इसमें